इन माई बैग। तो ये सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, जो लोग रोज बाहर निकलते हैं उनके लिए स्पेशली होता है, पर हम लोग भी तो बाहर कभी कभी निकलते हैं, क्योंकि आजकल जो है एक हाउसवाइफ के बैग में क्या क्या रहता है उसी के बारे में। मेरे चैनल पे मैं हूँ श्रद्धा। तो आज का वीडियो कुछ मजेदार होने वाला है, मैं कुछ मजेदार लाई हूँ। टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो क्या होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है व्हाट्स इन माय बैग। तो ये सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, जो लोग रोज बाहर निकलते हैं उनके लिए स्पेशली होता है, पर हम लोग भी तो बाहर कभी कभी निकलते हैं, क्योंकि आजकल जो है एक हाउसवाइफ के बैग में क्या क्या रहता है उसी के बारे में। हाँ, जो डेली लोग निकलते हैं वो लोग के बैग में तो कुछ स्पेशल रहते हैं, वो लोग के डेली नीड्स वगैरह रहते हैं, पर जब एक हाउसवाइफ घर से बाहर निकलती है, स्पेशली अगर उनके पास बच्चे हो तो और भी कुछ है। पर हाँ, मैं अभी तक एक हाउसवाइफ हूँ, तो अभी मेरे बैग में क्या क्या रहते हैं, और जो सारे हाउसवाइफ की तरफ से ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउसवाइफ के बैग में क्या क्या रहता है, व्हाट्स इन माय बैग। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा बैग है बहुत सारा स्पेशियस है, और हम लोग जब भी बैग कोई भी बैग लेते हैं, स्पेशली जब दूर जाते हैं, तो इससे भी बड़ा बैग यूज़ करते हैं और भी कुछ चाहता कि हमारे बैग में आ जाए। तो ऐसा स्पेशियस और ऐसा ही बैग हम यूज़ करते हैं। तो हमारे बैग में क्या क्या रहता है, वैसे पैसे और ATM कार्ड्स वगैरह, मोबाइल, ये इन सब के अलावा, ये सब तो हर किसी के बैग में रहता ही है, चाहे वो डेली निकलते हो या नहीं हो, हाउसवाइफ हो, काम करते हो या नहीं हो। तो फ़ोन, पैसा और ATM कार्ड सबके बैग में रहते हैं। मैं इसे छोड़कर कुछ और चीज़ों की बातें बारे में बोल रही हूँ कि उनके बैग और क्या क्या रहते हैं इनके अलावा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कंघी। एक कॉम तो हमारे बैग में रहता ही है हर टाइम, चाहे कहीं भी जाए, हम इसे यूज़ करें या ना करें, अगर दूर जा रहे हैं तो ज़रूर हम यूज़ करते हैं, यूज़ करें या ना करें, कॉम हमारे बैग में हर टाइम रहता है। इसके साथ साथ मैं हमारे और ऐसा भी कुछ रहता है वेट टिश्यू, ऐसा कुछ लाइक वैसे टिश्यू भी रहते हैं, या फिर वेट टिश्यू अच्छा रहता है, आप हाथ स्किन पे कुछ लग गया, आपके कपड़ों में कुछ लग गया, या फिर आपके हाथों में कुछ लग गया, खाना खाने वाले हो तो अच्छा है, अगर आप वेट टिश्यू यूज़ करते हो, या कोई भी टाइप के टिश्यू आपको हर लड़की के बैग में मिल जाएगी, या फिर कॉटन पैड हो तो कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, एक सैनिटरी पैड भी रहता है, जब कभी कभी हम लोग उसे हमें यूज़ करना होता है, तो हम लोग एक इमरजेंसी की तरफ से एक सैनिटरी पैड भी रख लेते हैं। एक नैपकिन रहता है हर एक लेडीज़ के पास, या फिर जेंट्स के पास तो रहता ही है पॉकेट में, तो हमारे पास एक नैपकिन भी रहता है। उसके साथ साथ जब हम दूर कहीं जाते हैं तो लिक्विड सिंदूर, अगर आप शादीशुदा हो, हाउसवाइफ हो, तो सिंदूर ऑब्वियसली आपके बैग में रहेगा। मेकअप की कुछ छोटे मोटी चीज़ें भी रहती हैं, काजल, फेस पाउडर, स्पेशली फेस पाउडर, काजल या लिपस्टिक, लिप बाम, ये सब चीज़ें भी रहती हैं, तो ये भी हमें पता है। इसके साथ साथ कुछ क्लिप्स वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं, तो क्लिप्स भी रख देते हैं, ताकि अगर बाल खुल हो जाए, अगर बालों को बांधना हो, गर्मी लग रही हो, तो हम एक्स्ट्रा क्लिप्स या फिर जो हम देके जा रहे हैं वो अगर टूट जाए तो एक्स्ट्रा क्लिप्स भी आपको हमारे बैग में मिल जाएगा। तो और एक बाम रहता है, अगर कभी भी हेडेक हो जाए तो यूज़ करने के लिए। एक सैनिटाइज़र रहता है हैंड वॉश करने के लिए, इंस्टेंट हैंड वॉश करके कुछ भी करना हो स्किन पे, या फिर मुंह में कुछ हो गया, या फिर खाना ही खाना होगा तो सैनिटाइजर भी रहता है। इसके साथ साथ क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ, इसलिए मेरे बैग में तो एक चश्मा रहता है। साथ साथ अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो लोशन वगैरह, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब कुछ तो रहता ही है। ये मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ। और हाँ, कभी कभी तो हमारे बैग में आपको डीओ भी मिल जाएगा। डीओ वैसे ही ओरिफ्लेम का है, छोटा सा है, बहुत अच्छा है। ये मुझे अभी इस साल गिफ्ट मिला था, मेरे दादा ने दिया था। तो डीओ भी मिल जाएगा आपको, कभी कभी परफ्यूम मिल जाएगा। और हाँ, मेरे बैग में स्पेशली रहता है एक ऐसे टीन का डब्बा। यस, हाँ, ये टीन का ही डब्बा है। तो ये टीन का डब्बा आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखा, ये किसी और के बैग में है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर है मेरे बैग में आपको मिल जाएगा।
इसमें आपको मिल जाएगा ऐसे कुछ रबर बैंड्स जो बालों के लिए होते हैं, बहुत सारे इसमें। एक्चुअली इसे मैं इसलिए लेकर घूमती हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो ये एक रबर बैंड रहेगा, बहुत सारे हैं, ये देखिए कलरफुल रबर बैंड है। और कुछ ऐसे एकदम सिंपल वाले हैं, अगर कहीं हम कुछ पैकेट वगैरह खोलकर खाना वाना खा रहे हैं तो रबर बैंड से यूज़ कर लेंगे। इसके साथ साथ ऐसे वाले कुछ रबर बैंड्स हैं, जैसे अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो रात को बाल बांधने के लिए बहुत काम आता है। और ऐसे छोटे मोटे क्लिप भी हैं, थोड़े इधर उधर रखेंगे तो गुम हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक मिनट, सेफ्टी पिन्स, ये आपको हर लड़की के बैग में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मैं तो जब कॉलेज वगैरह जाती थी, ऑफिस वगैरह, मतलब अपने स्कूल वगैरह जाती थी, मतलब ट्यूशन कराने कोचिंग सेंटर, तो तब मैं जाती तब भी मेरे बैग में आपको ये मिल जाता। कोई भी लड़की को कभी भी ज़रूरत होती तो मैं इसे ज़रूर उन्हें दे देती थी। तो बहुत सारे सेफ्टी पिन्स हैं और कुछ ब्लैक क्लिप्स, ये क्लिप्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो हेयर पिन होते हैं। और कुछ एक छोटे मोटे जो कान के होते हैं बाली वगैरह, वो भी मैं इसमें रख देती हूँ क्योंकि गुम हो जाएंगे, इससे अच्छे इसमें रह जाएं। बहुत स्पेशियस है, डब्बा इतना सा है पर बहुत कुछ रखा है इसमें। इसके साथ साथ हाँ, एक भगवान जी का छोटा सा लॉकेट होता है, जब हम कामाख्या गए थे ये मुझे मिला था, तो ये लॉकेट भी मेरे साथ जब भी मैं कहीं जाती हूँ ये लॉकेट मेरे साथ रहता है। और इसमें एक कॉइन भी मिल जाएगा आपको, तो इसमें जब 1-2 रुपये 5 रुपये ऐसा कोई कॉइन होता है तो मैं इसमें रख देती हूँ आराम से, जब किसी को देना होता है तो मैं इसमें से निकाल कर। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो ये वाला टीन का डब्बा मैं ज़रूर लेती हूँ, इसमें मेरा बहुत कुछ सामान आ जाता है। हाँ, कुछ नाइट क्रीम ले लेती हूँ तो नाइट क्रीम यूज़ हो जाता है, मतलब जितना हाथ के आपके सामने रहे, आपको दूसरे और बैग खोलने ना पड़े, उतना कुछ मैं अपने बैग में भर लेती हूँ। दवाई ले लेती हूँ, बड़ा जो बैग होता है उसमें तो मैं अपने ब्रश और पेस्ट भी ले लेती हूँ ताकि वहीं से ब्रश पेस्ट भी निकल जाए तो हम ब्रश वगैरह कर लेंगे। और ऐसे कुछ छोटे मोटे चीज़ें मेरे बैग में आपको मिल जाएगी, फ़ोन के चार्जर, पावर बैंक, और उनका भी कुछ चीज़ होता है तो वो भी ले लेती हूँ, टिकट वगैरह सब मेरी बैग में रहता है। तो एक हाउस वाइफ में बैग में भी बहुत कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि जो डेली निकलते हैं सिर्फ उनके ही बैग में चीज़ें रहती है वही इंपॉर्टेंस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे हाउसवाइफ के घर में भी बहुत कुछ होता है ऐसा कि वो जब निकलती हैं पूरा पोटला लेकर निकलती हैं, और उनके बैग में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। और जिनके बच्चे हैं उनके तो और भी बड़ी बैग होती है, बच्चों के लिए भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें लेना पड़ता है, पानी का बॉटल, हल्का फुल्का कुछ खाना, या उनके लिए स्पेशल जो टिश्यूज़ होते हैं अगर एकदम छोटा बच्चा हो तो हगीज वगैरह, और डाइपर, दूध का बॉटल, खाना, सूखा खाना, तो बच्चे होते हैं तो और भी कुछ लेना होता है। तो एक हाउसवाइफ के बैग में क्या है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कीजिए यार। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो ज़रूर शेयर करना, शेयर करना तो बनता ही है आज का वीडियो। जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करो ताकि जो आगे वाले मज़ेदार वीडियोज़ हैं वो आप लोग मिस ना कर जाओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी लाइक 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 और भर के लाइक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।